गया है आपसे, अनाच्छादन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया के समूह को कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि IUCN का पूरा नाम बताना है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण होता है। मैं अभी आपको पूरा इन सभी के आंसर लिखित में बताता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर दिया है हॉटस्पॉट क्या है, तो जहाँ विशिष्ट क्षेत्रीय जातियों की बहुलता हो वहाँ पर हॉटस्पॉट होता है। और श्रीलंका भारत में किस खाड़ी का द्वारा अलग होता है, तो पाक जल संधि होता है। और प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित ना की जा सके वह क्या कहलाती है, प्राकृतिक वनस्पति। तो एक बार आप सभी आंसर देख लीजिए, ये रहे आंसर, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 के। तो 1, 2, 3, 4, 5 को आंसर को आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए या फिर आप लिख लीजिए, एक वाक्य या एक शब्द में आंसर थे ना, तो इन सभी को देख लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, बादल कैसे बनते हैं? तो यार इसके पहले आप इसका आंसर देखने के पहले आप जल्दी से चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार के आप वीडियो आपको मिलते रहेंगे कक्षा 11वीं के सभी सॉल्यूशन के साथ, तो जल्दी से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है और अपने दोस्तों में यार इसे शेयर करना है और बताना भी है वीडियो कैसा लग रहा है आपको, बादल कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, तो जल्दी से लिख लीजिए बादल कैसे बनते हैं। तो आपको कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिख लीजिए आप बादल कहते तक। इसके बाद में देखिए बादलों का वर्गीकरण दिया है, यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका आंसर, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में इसका हम अथवा देखेंगे, इसका आंसर है, देखिए पहले प्रश्न देख लीजिए, जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर ये रहा, जल्दी से नोट कर लीजिए, 3 लाइन है और अभी इसका बाकी है, तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए पहले, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, ठीक है। तो इतना अपना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक लिखना है। पहले आप इतना लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर देखिए 2 लाइन और दी गई हैं, तो इनको भी यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद में ये आगे वाला क्वेश्चन है, तो ये नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ बताना है जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, तो यहाँ तक आप लिखना है आपको, तो दोनों लाइन जल्दी से लिख लीजिए इसके बाद थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7 है, जिसमें आपको पारिस्थितिक तंत्र क्या है बताना है, इसकी परिभाषा लिखना है। तो चलिए देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए, ये रही पारिस्थितिक तंत्र, स्थलमंडल जलमंडल एवं वायुमंडल का जीवीय तथा अजीवीय घटकों के साथ पारस्परिक संबंधी पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8 है, भूगोल के अध्ययन के उपागम लिखना है यहाँ पर, यानी कि उद्गम कह सकते हैं आप, उपागम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1, 2, 3 लाइन जी नोट कर लीजिए, ठीक है, तीनों लाइन को आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, हो गए ना। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9, यहाँ पर आपको मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों के नाम लिखना है। तो देख लीजिए मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप दोनों लाइन को नोट कर लीजिए और साथ में अपनी बुक निकाल कर देखिए, उसमें दिए गए होंगे मृदा निर्माण के प्रमुख कारण, तो आप थोड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन उसका लिख देना है, इतना तो लिख लीजिए। इसके साथ में आपको और भी लिखना पड़ेगा, जब तभी आपको 4 मार्क्स से मिलेंगे, तो आपके पास जो भी गाइड या किताब हो तो थोड़ा उसमें से भी देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, ज्वार भाटा के 3 महत्व लिखना है यहाँ पर आपको, ठीक है, अथवा वाला है। तो पहले आप इस लाइन को नोट कर लीजिए, एक लाइन को, ज्वार भाटा का मानव जीवन में महत्व क्या होता है, यही तो लिखना है आपको। तो इस लाइन को नोट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है, ये तीनों लाइन को भी लिख लीजिए, तो आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 11 में। तो देख लीजिए ये रहा आंसर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन यहाँ पर दिया गया है चित्र के सहित। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको आप यहाँ पर यहाँ तक लिखिए, फिर चित्र बना लीजिए अच्छे से, इसके बाद में भूपैटी लिखिए, भूपैटी का वर्णन कीजिए यहाँ पर, और इसके बाद में भूपैटी के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेटल और क्रोड भी लिखना है साथ में, तो आप इतना पूरा लिख दीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो पूरा लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीन शॉट लेकर रखिए, या फिर वीडियो को यहाँ पर रोक कर आप अपने उत्तर पुस्तिका में डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 12 है। तो भैया ये प्रश्न क्रमांक 12 है जो आप देख लीजिए, मुझे मिल नहीं रहा था तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसको छोड़ना नहीं है, आप जल्दी से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13। 13 का हम अथवा देखेंगे, जिसमें तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिए, तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक से यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको एक दो तीन लाइन लिखकर, एक दो तीन चार पाँच पॉइंट लिखना है आपको, पाँच छः पॉइंट दिए गए हैं। इतना लिखने के बाद इनका सभी का यहाँ पर देखिए विस्तार से वर्णन दिया गया है, तो आपको ये भी लिखना है। पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पूरा लिखते आइए, ठीक है, पूरा यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। तो समझ गए ना आपको क्या करना है, आप तापमान से लिखना है और यहाँ से सीधा लिखते आइए नीचे तक लिखते जाइए, ठीक है, यहाँ तक घटता तक लिखिए। पहले इस साइड का नहीं लिखना है आपको, ठीक है, केवल इस साइड वाला हिस्सा लिखिए आप, तापमान से लेकर यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से, ठीक है, और फिर यहाँ तक, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, घटता है, घटता लिखा था ना, फिर है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ से लिखते जाइए। सभी पॉइंट दिए गए हैं, देखिए समुद्र से दूरी, वायु सहित महासागरीय धाराएं, तो पूरा यहाँ तक लिखते जाइए। इतना लिखने के बाद प्रभावित के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ तक लिख देना है, ठीक है, तो इतना आपको पूरा लिख देना है। समझ गए ना आप, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप पूरा लिख सको, ठीक है, ध्यान से, ठीक है ना, आपकी बुक में भी दिया गया है, आप देख सकते हो। तो हो गया ना ये क्वेश्चन का आंसर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 14 है, इसमें आपको देखिए भारत में नदियों के प्रदूषण के कोई चार कारण लिखना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ये रहा इसका आंसर, तो जल्दी से लिखिए, 4 कारण लिखना है, 4 अंक का क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 14, तो जल्दी से लिखते जाइए आप, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हुए, इसके बाद में चौथा दिया गया है, तो चारों लिखना पड़ेगा आपको, तो ध्यान से एक बार और देख लीजिए, ठीक है, वीडियो को यहाँ पर रोक कर आप लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा का भी आंसर देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, ध्यान से देखिए, ठीक है, आप चाहो तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा, ठीक है, तो इतना आप जल्दी से लिख लीजिए। दिख रहा है ना आपको, अब अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पूरा आंसर आसानी से आप लिख सको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 है। इसके बाद तो यहाँ पर देखिए अथवा वाला बताऊंगा मैं आपको, तो यहाँ सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेलों के प्रकारों की व्यवस्था विशेषताएं लिखना है यहाँ पर, ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए यहाँ से, सेलों के विभिन्न प्रकार, ठीक है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें लिख लीजिए, यहाँ पर 6 लाइनें लिखने के बाद, इतना लिख लिया ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आग्नेय सेल का वर्णन भी करना है साथ में, ठीक है, इसके बाद में औषधि सेल भी दी गई है, तो पहले इसको इसका आंसर आप लिख लीजिए, आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो या फिर आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में औषधि सेल का वर्णन करना है आपको साथ में, तो इतना लिख लीजिए पहले। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है देखिए ऊपर साइड में, तो ये भी आप साथ में लिख लीजिए पूरा, या फिर अपनी बुक निकाल लीजिए, भूगोल की पेज नंबर 44 पर इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 44। इसके बाद में कार्यांतर सेल, तो इसको भी देख लीजिए, इसका आंसर इस प्रकार आपको लिख देना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आप लोगों ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर के देख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो देखिए इस प्रकार आपको करना है वायुमंडल की संरचना का वर्णन, तो पहले आप इतना आंसर लिख लीजिए, ठीक है, इतना लिखने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, इतना और लिखना है जो इस साइड दिया गया है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, तो पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक। और इसका देखिए जो चारों मंडल है ना, पांचों मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल और वायुमंडल, ठीक है, इन सभी का आपको एक चित्र किताब में दिया होगा या फिर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, ठीक है, तो वो चित्र भी साथ में बना देना है। इतना लिखने के बाद आपको चित्र भी बना देना है, उसमें सभी मंडल आपको बता देना है, ठीक है, तो हो गया ना। इसके बाद
लास्ट क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है। अब इसमें यदि आपको नक्शा मिला होगा तो आप इनमें दर्शा देना, बुक में देख लेना एक बार, आपकी बुक में दिए होंगे लास्ट में, ठीक है। मानचित्र वाली जो अलग से बुक मिली उसमें देख लेना एक बार। तो थैंक यू।